है ना, ये बिल्कुल लो क्वालिटी का, देख रहे हो सामने, ये सारी पेस्टिंग है चिपकाने वाली, जो इस चीज को चिपकाया जाता है ना, ठीक है, वो सब इस पे खिंडा हुआ है। ये बाद में खोल के चेक किया है कि सारे में पेस्टिंग लगी हुई है, और यहाँ से ना एयर पास हो नहीं रही है। अच्छा, इसकी वजह से इसका इंजन जो है, जब एयर कम जाएगी तो ना पिस्टन रिंग जो होते हैं वो ऑयल उठा लेते हैं नीचे से। अच्छा, नीचे से ऑयल उठा लेते हैं, उसकी वजह से ऑयल का जो लेवल है वो कम हो गया। बस ये इसका ड्राई कंप्रेशन है, 180 है PSI। इसके बाद हम इसको ऑयल डाल के चेक करेंगे। हाय गाइज, आज हमारे पास आ रखी है स्कोडा सुपर, ये गाड़ी हमारे पास सर्विस के लिए आई है, और हमने सर्विस के लिए इसको डायग्नोस किया, और डायग्नोस करके हमने देखा कि इस गाड़ी के अंदर जो इसका इंजन ऑयल है वो काफ़ी कम निकला था, वो जो ऑयल निकलना चाहिए था 3 से 3.5-4 लीटर तक, वो इसमें 2 लीटर का ऑयल निकला। वो ऑयल क्यों निकला, किस रीज़न है कि ऑयल इतना कम क्यों निकला, और ये क्या है, स्मोक भी जो है काफ़ी ज़्यादा दे रही थी, तो स्मोक क्यों दे रही थी और क्या रीज़न था इसका, इसके लिए हमने स्कैनर लगाया है हमने, और स्कैनर लगा के स्कैनिंग रिपोर्ट को हमने सेव किया, और सेव करके कस्टमर के पास सेंड किया है। कस्टमर को सेंड करने के, ये इसकी स्कैनिंग रिपोर्ट है, ये आप देख सकते हो, इसमें ये सारे कोड जो है ये फॉल्ट है, हम इनको एक एक करके चेक करेंगे, और उसके बाद गाड़ी को वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, टर्बो की वजह से भी दिक्कत हो सकती है, इंजेक्टर की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है, स्पार्क प्लग की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो ये प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। वीडियो को वॉच करते रहे, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाता रहूं, और कोई बड़ी नुकसान होने से, कोई बड़ा नुकसान होने से आप बच सके, इसलिए आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें कि ये दिक्कत आ क्यों रही है, क्योंकि इसकी वजह से ये इंजन भी सीज हो सकता है इसका, मैं आपको पहले ही बता दूँ, इसलिए आप प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को देखना, और पूरी वीडियो देखना। इंजन कंप्रेशन चेक कर रहे हैं, कंप्रेशन। अच्छा, ये बाकी के जो स्पार्क प्लग हैं वो ठीक हैं वैसे? प्लग ठीक है, प्लग में कोई दिक्कत नहीं है इसके। पर क्या होता है, उसकी वजह से भी ऑयल जो है वो, ऑयल का जो लेवल है वो कम हो जाता है, और साइलेंसर के थ्रू स्मोक आता है। बस ये इसका ड्राई कंप्रेशन है, 180 है PSI। इसके बाद हम इसको ऑयल डाल के चेक करेंगे।
फास्ट करने के लिए चला रही है। ये एक बार हम इसमें ऑयल डाल के और देख रहे हैं, क्यों भी हट जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। ये एक बार ऑयल डाल के और कंप्रेसर चेक कर रहे हैं इसका। ये हमने इसके स्पार्क प्लग चेक किए थे, इनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ओके हैं। और ये इसका एक बार पीसीओ वाला है वो और चेक किए थे हम, उसमें कोई और दिक्कत तो नहीं है। ये इसका हमने एक एयर का पाइप है जो निकाला है हमने, एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके और देख रहे हैं। ये एक बार हम इसके पीसी वाल्व को और खोल के देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो जो कंप्रेसर था वो तो ठीक बना रहा था। ये अंदर से देखते हैं कई बार क्या होता है कि ये भी ऑयल को सबसे ज़्यादा खाता है, इसकी वजह से भी ऑयल लेवल जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कोई दिक्कत लगती है आपको इसके अंदर? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक होकर। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंसर ठीक है इसका? ऑक्सीजन सेंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक है ऑक्सीजन सेंसर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसको और देख लीजिए। ये इसका मैप सेंसर है,
जो ठीक है भी एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है ये क्या कहते हैं इसको मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर अच्छा ये बिल्कुल ठीक है इसमें कोई दिक्कत जितना प्रेशर इसके अंदर होता है ना उसको रीड करता है अच्छा तो ये क्या करते हैं ये सेंसर ही क्या होते हैं जो ECM को डायरेक्शन देते हैं और ये अगर ये ठीक नहीं होंगे तो ये ECM को डायरेक्शन गलत देंगे जिसकी वजह से इंजन ऑयल का जो लेवल है वो कम हो सकता है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है इनमें कोई दिक्कत नहीं है ये बिल्कुल ठीक है बाकी एक बार और चेक करते हैं हम फाइनली एक बार ना इसका टर्बो और खोल के देखते हैं कि उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कई बार क्या होता है उसकी वजह से भी इंजन ऑयल का जो लेवल है वो कम हो जाता है क्योंकि टर्बो की वजह से भी स्मोक आता है पीछे साइलेंसर में ये इसका टर्बो है ये हम इसको एक बार चेक कर रहे हैं क्या हो सकता है इसके अंदर वैसे भैया इसको ओपन कर रहे हैं ना अभी खोल के देखते हैं जो अगर प्ले वगैरह होगी ना अंदर तो चेक करते हैं अभी आपके सामने खोलने लग रहे हैं अच्छा अगर प्ले होगी तो उसकी वजह से ये ऑयल उठाता है यहाँ से ना ऑयल चलता है यहाँ पे ये जो सामने पाइप देख रहे हो ना अच्छा अच्छा तो उसमें ना गैप आ जाता है प्ले आके और वो सीधा इंटेक मैनिफोल्ड के अंदर चला जाता है ऑयल जो है तो वहाँ से ये फिर ये धुआं बन के या साइलेंसर में साइलेंसर से निकल जाता है ऑयल कम हो जाता है फिर उससे ऑयल कम हो जाता है इससे ऑयल कम होने की वजह से इंजन भी सीज हो सकता है इसका बिल्कुल हो सकता है सर आई थी एक गाड़ी हमारे पास अभी भी खड़ी है जिसकी वीडियो हमने डाल रखी है इसी कारण उसका इंजन सीज हो गया था हमारी आप वीडियो देख सकते हो स्कोडा सुपर की हमने एक वीडियो डाल रखी है जिसका हमने फुल्ली इंजन किया है और उसके अंदर भी इसी की वजह से ये दिक्कत हुई थी कि उनका जो टर्बो था वो काम नहीं कर रहा था और ऑयल उठा रहा था और ऑयल उठाने की वजह से उसका ऑयल लेवल जो है वो कम हो गया और कम होने की वजह से इंजन जो है उसका सीज हो गया आप उसको पूरी वीडियो को देख सकते हो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूंगा आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हो एक बार इसके अंदर देख रहे हैं कि प्ले तो नहीं है इसके अंदर प्ले होने की प्ले की वजह से भी कई बार ऑयल उठाती है ये प्ले है इसके अंदर इसकी वजह से ऑयल 3.5 mm होती है ठीक है 3.5 mm होती है वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें इतनी तो होती है बाकी परफेक्ट है इसको हम दोबारा फिट कर रहे हैं और देखते हैं नेक्स्ट कि प्रॉब्लम किस वजह से है देख सकते हो कि टर्बो बिल्कुल ठीक है इसका टर्बो के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी अब हम टर्बो को दोबारा वापसी वहीं पे फिट कर रहे हैं क्योंकि इसे निकालने में भी काफ़ी दिक्कत हुई और फिटिंग करने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है और नेक्स्ट स्टेप के लिए अब चलेंगे आगे देखते हैं कि आगे और कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी दिक्कतें हो रही है क्योंकि बड़ी गाड़ी है इसको प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ इसकी डायग्नोस करनी पड़ेगी जब भी पता लगेगा इसका ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर और चेक कर रहे हैं कई बार क्या होता है कि ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर ब्लॉक होने की वजह से इंजन ऑयल का जो लेवल है वो भी कम हो जाता है और स्मोक देना स्टार्ट कर देती है गाड़ी तो हम उसको भी डायग्नोस कर लेते हैं एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है इसका हमने जो फॉल्ट लास्ट में देखा है इसका प्रॉपर तरीके से जो हमने चेक किया है इसका जो एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर है जिसकी वजह से इसका जो फिल्टर है ना ये बिल्कुल लो क्वालिटी का देख रहे हो सामने ये सारी पेस्टिंग है चिपकाने वाली जो इस चीज़ को चिपकाया जाता है ना ठीक है वो सब इस पर खिंडा हुआ है ये बाद में खोल के चेक किया है कि सारे में पेस्टिंग लगी हुई है और यहाँ से ना एयर पास हो नहीं रही है अच्छा इसकी वजह से इसका इंजन जो है जब एयर कम जाएगी तो पिस्टन रिंग जो होते हैं वो ऑयल उठा लेते हैं नीचे से ऑयल उठा लेते हैं उसकी वजह से ऑयल का जो लेवल है वो कम हो गया और बर्न हो गया जल गया सर में जो स्मोक आ रहा था वो इसी की वजह से आ बिल्कुल ठीक है तो अब देखो आपको पता लगा कितना हमने डायग्नोस किया गाड़ी के एक एक चीज़ को हमने चेक किया प्रॉपर तरीके से ठीक है इसका प्रेशर चेक किया
टर्बो चेक किया हमने, सारी चीज़ें चेक करने के बाद जो हमें फॉल्ट मिला है, छोटा सा फॉल्ट था एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर। ये क्या होता है कि लोग बाहर सर्विस करा लेते हैं लोग लोकल जगहों पे, तो वहाँ पे क्या होता है डुप्लीकेट एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर आते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। ये अभी तो ये हमारे पास सर्विस पे आई थी तो हमने ये चीज़ चेक की, डायग्नोस की, तो ये चीज़ें हमें पता लग गई, अभी तो हमने ये कर दी। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा भी हो सकता था कि अगर ये इस चीज़ पे इग्नोर कर देते और ये आगे चलती रहती तो ये पूरा इंजन इसका होता, क्योंकि इसके पिस्टन वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल तरीके से डैमेज हो जाती, क्योंकि ऑयल जो है वो लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। वो तो बंदा इग्नोर कर देता है, कई बार क्या होता है साइन देता है मगर उसको ये लगता है कि मैंने तो अभी सर्विस कराई है और उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि ऑयल फिल्टर ये सर्विस आप सबसे बेस्ट जगह पे कराएं, ठीक है। आप हमारी वीडियो को वॉच करें और देखें, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ प्रॉपर तरीके से।